कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो ध्यान देकर, आईआईटी क्वेश्चन ही है अलग से और दे रखे देखो उसके पेपर के अलावा भी। सबसे पहला है आपके 32 की घात 1/5, इसका मतलब क्या होता है आपके 2 की घात 5 और इनटू इसके ऊपर कितने दे रखा है आपके 1/5। ये तो मान किसका है, ये मान है आपके 32 का, 32 इंसान उन्होंने ये लिखा है। अब भाग दोगे 2 का 16 बार, फिर 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर भाग देना है। तो देखो 2 की 2 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 एकम 2। दूसरा है आपके 3 और -5 है, पहले बताएंगे आगे क्वेश्चन तो आगे ले। उसने कहा है वाई अक्ष से दूरी बतानी, हमें बतानी है वाई अक्ष से दूरी, बताओ कितनी हो जाएगी 3। वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स का मान लेंगे, एक्स से पूछे तो वाई का मान लेंगे। जब भी दूरी पूछे तो दूरी अन्य को पूछे तो वो सीधा वही होगा, एक्स का मान ये है और ये वाई का मान है। नंबर 3 है आपके एक पेन का मूल्य, पेंसिल से क्या है दोगुना, पेंसिल से क्या है डबल, तो हमें क्या बनानी है समीकरण बनानी है। तो देखो ध्यान दो, माना एक पेन का मूल्य क्या लिखोगे, माना एक पेन का मूल्य कितना मान लिया हमने एक्स, और साथ में एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया हमने वाई। अब प्रश्न अनुसार इसने क्या कहा है, एक पेन का मूल्य कितना है 2 पेंसिल के बराबर, 2 पेंसिलों के मूल्य के बराबर। या तो एक पेन खरीदो या 2 पेन खरीदो, एक ही बात है, या तो खरीदो एक पेन या खरीदो 2 पेंसिल, एक ही बात। मतलब ये हो गया आपके एक पेन का एक एक्स, एक पेंसिल का एक वाई, तो 2 का कितना हो गया 2 वाई, ये बन गई समीकरण। तो इधर ले एक्स माइनस 2y = 0। छोटे क्वेश्चन भी आपके आएंगे इसी नंबर के, आप किस चैप्टर के आएगी, एक पेंसिल मूल्य या एक रबड़ का पेंसिल कलम कोई पूछ ले आपको, समीकरण आपको बनानी आनी चाहिए। फिर है आपके 2 + 2x² + 5x, इसकी घात बतानी, बताओ घात कितनी होगी इसकी डिग्री, घात कितनी है बताओ 2, कितनी ज़्यादा घात है ये वाली, वो इसका मान होगा, कितनी घात है इसकी आपके 2 घात। फिर है आपके समपूरक कोण किसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण किसे बोलते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे बोलते हैं समपूरक। मैंने से लिखा आप कैसे लिखना, आपके लिए पूरा लिखना है, तो बोल नहीं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो उसे बोलते हैं आपके समपूरक कोण, जैसे कोण a + b = 180 ऐसे लिख सकते हो। नंबर 6 है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा विशेषता बताओ, समांतर चतुर्भुज की विशेषता, विशेषता और अर्थ भी बताना है, अर्थ भी बताना है और विशेषता, अर्थ क्या कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो, ये तो हो गया। अब पूछ ले इसकी विशेषता क्या है, अभी मैंने बोला उस पर क्या विशेषता, क्या विशेषता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर, सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर, बराबर भी होती है और साथ में समांतर भी होती है, तो यही विशेषता है और यही इसका अर्थ है। अर्थ पूछे तो लिखना है इसकी आमने सामने भुजाएं समांतर हो बराबर हो, वो समांतर तो कहलाता है, अगर विशेषता पूछ ले तो उसकी आमने भुजाएं बराबर होती है, आमने कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर हो और काटते हैं, कोई भी इतने सारे कारण है, कोई भी एक आपको लिखना है। अगला दे रखा है आपके ए क्या ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है बताओ, समबाहु त्रिभुज का ए कोण कितना होता है, त्रिभुज का कोण कितना होता है 60 डिग्री, सिंपल चीज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर हो, प्रत्येक कितना हो गया आपके 60 डिग्री। फिर है आपके हमें मान लिखना है a + b + c² इसका मान क्या होगा, क्या लिखेंगे बताओ, a² + b² +
टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, इसका मान कितना था? इसका मान ये होता है सूत्र ऐसे तो कुछ जाएंगे। अब है अगला क्वेश्चन है, पांच और माइनस सात दे रखा है, इसमें बताना है बुद्ध क्या है और कोटि क्या है। पहले कहो भुजिया, पहले भुजिया और फिर कोटि, कितना है आपके बुद्ध? कितनी है? पांच। और कोटि कितनी है? माइनस के सात। फिर अगला दे रखा है आपके तीन और चार, ऐसा लिखा हुआ क्यों बिंदु? ये तो मैंने अभी बदल दिया, कुछ लिखा है तो पहले तो हम दो तीन और चार लिखा हुआ है और तीन वाई बराबर ए एक्स प्लस सात। इसने कहा है कि आपको ए का मान क्या करना है? ज्ञात करना है, ऐसा लिखा हुआ बिंदु। तो बिंदु होता क्या होता है? आगे लिखा हुआ एक्स का मान, पीछे लिखा हुआ वाई का मान। तो तीन का तीन, वाई का मान कितना है? चार, बराबर ए का ए, एक्स का मान कितना है? तीन प्लस सात का सात, कितना हो गया? चार किया बारह, बारह बराबर तीन ए प्लस आठ, दस का है तो फिर कितना हो जाएगा? माइनस का गुणा में तो ए बराबर पांच बटा तीन बराबर यही उत्तर है आपके, पांच बटा तीन गुणा में तो पांच, पांच बटा। अब अगला दे रखा है आपके पी एक्स बराबर एक्स की घात तीन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स प्लस ए, इसमें आपको भाग देना है एक्स माइनस ए का, क्या देना है आपको? भाग देना है, और भाग देना है और साथ में क्या करना है? इसका हल करना है। अब देखो आप ध्यान दो, एक्स माइनस ए है, ये माइनस ए है प्लस का है, ये माइनस का है, इसमें इसका भाग देना है और भाग देकर क्या करना है आपको? इसमें शेष फल ज्ञात करना है। अब माइनस का भी हो सकता है और ये प्लस का भी हो सकता है, प्लस का होगा ये ताकि तो मेरे माइनस हो जाए। अब क्या करना है देखो, ध्यान दो, इसमें इसका भाग देना है या शेष ना, आपको तो शेष पूछा है, जब भी शेष पूछे दो विधि है, या तो भाग दे दो या क्या करो एक्स का मान एक उधर दे दो, एक में हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखो? माइनस का ए लिखो, यहाँ एक्स है तो माइनस ए की घात तीन, यहाँ भी लिखेंगे माइनस ए की घात दो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा आपके? ये माइनस है फिर प्लस का, माइनस का अंदर माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके? प्लस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ क्या है एक्स है, वहाँ क्या लिखना है आपको? ए लिखना है। अब आ गया ये छः का छः, यहाँ भी क्या आएगा? ए प्लस ए, यहाँ ए की घात तीन है, ये ए एक बार यहाँ है दो बार यहाँ है, दो और एक कितना हो गया आपके? ए की घात तीन प्लस छः ए प्लस ए, ये दोनों कट जाएंगे और छः और एक कितना हो गया आपके? सात। एक भाग देकर भी कर सकते हो, बाकी से देंगे तो या तो करो ऐसे, और अगर आपको भाग आ रहा है देना तो ऐसे भी कर सकते हो आप, एक्स माइनस ए का आपको भाग देना है एक्स की घात तीन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस ए। और फर्क क्या है दोनों में? इसमें केवल शेष फल आता है, मतलब लास्ट में क्या आएगा? जीरो जो आता है लास्ट में, ए आता है बी आता है वो आएगा, और इसमें आपके केवल शेष फल आएगा, इसमें शेष फल भी आएगा और यहाँ पर भाग फल भी आएगा। अब बताओ इसमें इसमें क्या फर्क है? एक्स की घात दो का इसको इससे गुणा करो क्या हो जाएगी? एक्स की घात तीन, फिर इसको इससे भी गुणा करना जरूरी है, ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर, फिर बदल दो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, अब ये उतर जाएगा सिक्स एक्स प्लस ए। अब बताओ दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क क्या है? अरे यार छः लिखा यहाँ भी छः होना चाहिए, इसमें इसमें क्या फर्क है? ये एक्स लिखा हुआ यहाँ क्या लिखा हुआ है? दोनों में फर्क कितना है? छः का फर्क है। क्या करेंगे हम? छः से गुणा करेंगे, गुणा करो छः को इससे, क्या आएगा? छः छः गुणा करो ये कितना आएगा? माइनस का छः, चिन्ह बदल दो माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट गया दोनों प्लस के, छः और ये कितना हो गया? सात, ये देखो सात है इसमें भी आता है और सात है इसमें भी आता है। अब फर्क क्या है आपके?
इसमें आपके केवल शेष बल, इसमें भागफल भी और शेष बल भी है। तो आपसे केवल शेष पूछा है, दोनों में कोई भी लगा लो उत्तर आएगा, और भागफल पूछा है तो यही चलेगा, ज्यादातर यही चलता है आपके, यही आएगा। अगर समझ में अगला दे रखा है 6x² - 5x - 6, इसका करना है आपको गुणनखंड करना। तो कैसे करेंगे तो ध्यान दो, 6x² लिखेंगे इधर और माइनस भी लिखेंगे, ये पूरी संख्या यहाँ से लगा कर यहाँ रखेंगे इधर, और ये संख्या लिखेंगे हम इधर। अब इन दोनों का करेंगे गुणा, कहते कितना होता है 36x², बताओ ऐसी कौन संख्या गुणा करने पर 36 आती है और यहाँ माइनस है, घटाने पर 5 आने चाहिए, मतलब कौन संख्या छत्तीस, ये हो जाएगा आपके 9 4 36। बड़ी संख्या आगे लिखो, छोटी संख्या पीछे लिखो, और यहाँ जो चिन्ह है वो हम यहाँ लिख देंगे बीच में। फिर से बोलो क्या आ जाएगा, 6x² - 9x - - प्लस 4x - 6। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स और दोनों में तीन का भाग भी जा रहा है, तो 3 और x कॉमन ले लेंगे। 3 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 3 का भाग 9 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार। अगर टुकड़े सही किए हैं, चिन्ह सही लगाए हैं, तो यहाँ भी यही संख्या आएगी, यहाँ प्लस है तो प्लस उतार दो। अब दोनों से भाग जा रहा है 2 का, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का भाग 4 में 2 बार, और माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, तो 2x - 3 क्या आ गया कॉमन, पीछे क्या बचा 3x + 2। अब आपके है अगला सवाल, 22 बजे को आपके चित्र दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके 130 डिग्री, और ये दे रखा है आपके x, और ये दे रखा है आपके y। हमें x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले करेंगे x का मान कितना बताओ, 130 डिग्री, सिरसा विमुख कोण, कारण क्या है आपके, सिरसा विमुख कोण। दूसरा देखो, x और y बराबर है, कौन कौन सा, x और y क्या है आपके बराबर, बताओ ये दोनों कोण बराबर क्यों है, संगत कोण, संगत कोण, कारण क्या होगा आपके, संगत कोण। आप चाहो तो इन दोनों को भी सीधा लिख सकते हो, फिर क्या करो, अगर ये दोनों लिखे तो कारण क्या होगा, बाह्य एकांत कोण। तो बताओ x का मान 30, तो y का मान कितना होगा, 130 डिग्री, 22 लिख दिया मैंने, ये या इसमें 22 है, अगर 23 का ये पेपर है आपके एडवांस के पुराने, लेकिन इसमें भी आ सकता है, ये वाला कोण करना है हमें ज्ञात, और ये दे रखा है पी ओ आर क्यू है और ये एस है, इसने कहा है कि कोण पी ओ आर अनुपात है कोण आर ओ क्यू, कोण पी ओ आर यानी ये वाला कोण और कोण आर ओ क्यू, ये दोनों कोणों में अनुपात कितना है, 5:7। जब भी अनुपात होता है तो पीछे क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, और देखो हमें ये दोनों कोण दे रखे हैं, इन दोनों कोणों का योग, देखो ये अनुपात है, ये कितना हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा 7x, और ये क्या होगी आपकी सीधी रेखा, तो कौन सा निकलेगा आपके, रेखीय कोण युग्म, सीधी रेखा है तो क्या लिखेंगे, 5x + 7x = 180 डिग्री, कारण क्या है, रेखीय कोण युग्म, 5 और 7 कितने हो गए 12x = 180, गुणा में कितना हो जाएगा, भाग में x का मान होगा 180/12, 12 का 12 और 12 × 7, 1x का मान कितना है 15। हमें ये वाला कोण पूछा गया है, कौन सा कोण पी ओ आर, बताओ ये है कितना, कितना है 5x है, 5 का 5 और x का मान कितना आया है 15, तो ये कितना हो जाएगा आपके 75 डिग्री। फिर दे रखा है आपके ऐसा चित्र दिया हुआ है, इसका मान दे रखा है आपके 110 डिग्री,
और ये दे रखा है आपको 135 डिग्री। और पूछा है बताओ ये वाला कौन कितना होगा, तो क्या कहेंगे उससे पहले पहले तो कौन ये क्या करेंगे अंदर वाला, ये वाला बताओ। जैसे इसको मान लिया मैंने एक्स और ये है आपके पी क्यू आर और ये है एस और इधर ये बाहर क्या है आपके इधर टी है। अब देखो पहले हम x ज्ञात करेंगे, बताओ इन दोनों का योग कितना होता है 180। x प्लस 135 का मान होता है 180। इसका कारण है रेखीय कोण युग्म। 10 का उधर भेज दो तो x का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, तो x का मान कितना आएगा आपके 45। अब दूसरा नियम है इसका मान और इसका मान, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है ये वाला त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बने 22 कोण के बराबर होता है। इन दोनों का योग कौन से x का और जो हमें पूछा गया है कौन सा पी आर क्यू का मान, पी आर क्यू ये पूछा है, ये और ये इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। इसके बराबर होता है 110 के बराबर। कारण क्या लिखोगे इसका, बहिष्क कोण बाहर बनने वाला कौन। ये प्लस का है, एक्स का मान है कितना, एक्स का मान कितना है 45। लिखेंगे हम 45 डिग्री प्लस कौन पी आर क्यू बराबर 110। इसको उधर भेज दो तो कौन पी आर क्यू बराबर होगा 110 माइनस 45। पीछे कितना बचा आपके 65, कितना रहेगा आपके 65। अगले बात लगा आपके नियम है कि x का भी क्यूब प्लस y का भी क्यूब प्लस z का भी क्यूब हो और साथ में हो माइनस 3x भी हो y भी हो और अगर ऐसा सवाल में है तो उसका उत्तर क्या होगा आपके x स्क्वायर, ये सूत्र क्या सूत्र क्या देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या लगे x प्लस वाई प्लस जेड पोस्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये सूत्र आप याद करें। अब देखो ध्यान दो, अब बताओ इसमें जो सूत्र है तो x का मान जो सूत्र से मान क्या होगा, सूत्र का घनमूल क्या होगा, घनमूल घनमूल x का होल क्यूब, फिर आपके y भी है आपके पास y का भी क्या कर दो होल क्यूब, z का भी होल क्यूब माइनस अब 3 का 3। अब बताओ x का मान यहाँ कितना है, x का मान है 3x है, y का y है और z का z, ऐसा लिखा हुआ मतलब मैंने पहले ही बताया था। देखो ये और ये बिल्कुल सेम है तो 3 × 27 y का y z का z 3×9xyz बिल्कुल मिल जाए। अगर सवाल ऐसा हो उसका उत्तर क्या होगा आपके, ये वाला उत्तर होगा x का मान देखिए लिखना xyz x का मान 3x प्लस y प्लस z x का मान 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का माइनस 3x को गुणा करना है y से प्लस y को गुणा करना है z से प्लस z को गुणा करना है 3x से। और तो बोलो सबसे पहले क्या रहेगा 3x प्लस y प्लस z क्या कितना रहेगा 3 का 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस 3xy गुणा करेंगे प्लस ऐसा माइनस ही है यहाँ पर माइनस वाई जेड माइनस 3zx या 3xz भी लिख सकते हो। बस ये कैसे सूत्र में आपको जमा लाना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आराम से कर सकते हो। न्याय हुआ 3 नंबर में आपके। अब ये देखो ये भी है समद्विबाहु त्रिभुज इसकी दो भुजाएं क्या है बराबर, ये भी है समद्विबाहु त्रिभुज इसकी भी दो भुजाएं क्या है आपके बराबर। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे रचना करेंगे, क्या करेंगे हम क्या करेंगे इस लाइन को हटा दो और यहाँ बीच में लाइन खींच दो
क्या करेंगे हम, ए व बी को मिलाया। अब आपके पास दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इसका नाम तो है एबीडी और उसका नाम है एसीडी, ऊपर त्रिभुज। एक त्रिभुज है आपके एबीडी व त्रिभुज है एसीडी से। तीन चीजें बराबर करनी है, पहली ये भुजा और ये भुजा क्या है, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या है, बराबर। AB बराबर क्या है, AC भुजा। कारण क्या है, सवाल में लिखा हुआ है ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ABC त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस तरह से लाइन पर डॉट खींच सकते हो आप, ताकि त्रिभुज ही बना रहे आप। ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज ये कौन सा है, आप सभी का त्रिभुज है, इसलिए ये भुजा जिनसे क्या होगी, बराबर। ये भुजा आ रही है इस त्रिभुज में और ये भुजा आ रही है इस त्रिभुज में। क्या नाम है, बी डी बराबर क्या है, सी डी। इसमें भी आपके त्रिभुज बी डी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा, ये भुजा ऐसी है जो आपके दोनों आ रही है, क्या नाम है, ए डी बराबर ए डी। ये आ गया है आपके कॉमन भुजा उभय निष्ठ। तो नियम कौन सा लगा है, एस 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 नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो उनके अन्य सभी भाग क्या होंगे, बराबर। अतः ये और ये कौन क्या होगा, ये दोनों कौन बराबर होंगे, कौन ए बी डी बराबर होगा कौन ए सी डी। तो कारण क्या है, बाई सी पी सी टी, सर्वांशम त्रिभुज के सगत भाग क्या होते हैं, बराबर। अब ये वाला, इसमें कहा है कि एक चतुर्भुज है कोई भी जिसकी जिसके विकर्ण बराबर भी है और दो भागों में भी बांटते हैं, तो मतलब सभी क्या हो गए बराबर, पूरे भी बराबर है, तो आधा देश क्या हो गया आपके, बराबर। तो देखो यहाँ लिखे उपति, हमें बताना है कि ये क्या है, वर्ग है। और वर्ग कैसे मान चलेगा, एक तो इसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए आपके, बराबर होनी चाहिए। दूसरा, इसका प्रत्येक अंग कितना होना चाहिए आपके, 90 डिग्री। अगर चारों में से अगर एक और 90 कर दे तो भी सब क्या हो जाए आपके, 90 डिग्री हो जाए। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक तो ये त्रिभुज लेना है और एक ये, पहले क्या करें भुजाएं बराबर करें। पहले तो एक त्रिभुज कौन सा है, ए ओ डी, वह त्रिभुज हो गया है आपके ए ओ बी से। एक ये त्रिभुज ले रहे हैं और एक ये त्रिभुज ले रहे हैं। अब इन्होंने क्या है, देखो तीन चीजें बराबर करनी है। पहली, ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके, बराबर। बी ओ बराबर क्या है, डी ओ, या डी ओ बराबर बी ओ। अब कारण क्या है बताओ, क्यों, अब देखो विकर्ण बराबर तो उनके समद्विबाहु भी क्या होंगे आपके, बराबर। क्या लिखेंगे, बराबर विकर्ण के समद्विभाजक। क्या लिखोगे, बराबर विकर्णों के समद्विभाजक, क्योंकि विकर्ण बराबर है तो उनके आधे आधे भाग भी क्या होंगे, बराबर। जैसे मान लो इधर 6 है और इधर भी, ये भी 6 है विकर्ण, ये भी कितना है, और उसका समद्विभाजक कर देंगे तो ये भी 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3। पूरे बराबर है तो आधे भी क्या होते हैं, बराबर। अब आके ये वाली भुजा ऐसी है जो दोनों मारी, क्या नाम है, ए ओ बराबर ए ओ। ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं हम और ये भुजा ऐसी है, तो ए ओ इसमें भी आ रहा है और ए ओ इसमें भी आ रहा है, ये क्या हो गया आपके, ये हो गया है आपके उभय में। एक और बताओ, यहाँ कौन 90 और यहाँ भी कौन क्या है, 90, क्या नाम है, जैसे कौन नंबर एक और कौन नंबर दो, लिखेंगे कौन एक बराबर है कौन दो। कारण है आपके 90 डिग्री के सवाल में दिया हुआ। अब बताओ नियम कौन सा लगा, एस ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ डी सर्वांशम है त्रिभुज ए ओ बी के। अगर सर्वांशम है तो उनके सभी भाग क्या होंगे आपके, बराबर। मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी, बराबर। ए बी बराबर क्या होगी आपके, ए डी। ये और ये भुजा क्या होगी आपके, बराबर। अब ये और ये भुजा बराबर है आपके, क्यों है बराबर, बाई सी पी सी पी। फिर हम ये दोनों लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगी, फिर हम ये दोनों लेंगे तो ये दोनों बराबर, फिर हम ये दोनों लेंगे तो ये दोनों बराबर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार
ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर, ए बी बराबर क्या होगा बी सी, वही बाई सी पी एस टी। और आपके इन दोनों को लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, बी सी बराबर क्या है आपके सी डी, वही बाई क्या हो जाएगा सी पी सी पी। क्या क्या लिखेंगे उपयुक्त सभी से, अभी हम जो तो हमने सिद्ध किया है उन तो सबसे बताओ ए बी किसके बराबर है, ए बी है ए डी के बराबर, ए बी और किसके बराबर है बी सी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है सी डी के, तो चारों भुजाएं क्या हो गई बराबर, इसके चारों भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा होता है आपके समचतुर्भुज, क्या होता है लिखेंगे कि ए बी सी डी एक क्या है समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज से हमें क्या बनाना है वर्ग बनाना, क्या बनाना है वर्ग, कैसे बनता है जब यहाँ कितना डिग्री कोण हो आपके 90। अब हम क्या करेंगे ये त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे, एक ये लेंगे और एक ये लेंगे, जैसे एक त्रिभुज कौन सा है आपके यहाँ लिख लो अलग से, जैसे कल बताया था ना मैंने ये त्रिभुज लिया था और ये भी लिया था वैसे ही करना है, त्रिभुज कौन सा है ए बी डी, वह त्रिभुज हो जाएगा आपके ए बी सी डी। अगर इसमें से एक कोण 90 कर दें यहाँ वाला कोण तो ये क्या हो जाएगा आपके वर्ग बन जाएगा। तो देखो तीन चीजें बराबर, पहली ये भुजा और ये भुजा बराबर क्या नाम है ए डी बराबर क्या है बी सी, हमने अभी प्रूव किया था कि सारे भुजाएं क्या होती है बराबर, क्योंकि ये क्या है आपके समचतुर्भुज, क्या है ये समचतुर्भुज की भुजाएं है हमेशा क्या होती है, हमने अभी सिद्ध किया था कि कौन सा भुजा ये समचतुर्भुज है। दूसरा ये और ये बराबर, इस त्रिभुज का ये भुजा बी डी और ए सी बराबर, बी डी बराबर क्या है ए सी, बताओ ये और ये बराबर क्यों सवाल के अंदर दिया हुआ है आपको, ये तो क्या है सवाल के अंदर दिया हुआ कि विकर्ण बराबर है। तीसरा ये भुजा ऐसी है तो दोनों में काम आ रही है, ए बी बराबर क्या है ए बी, ये क्या आ गया आपके उभयनिष्ठ, बताओ नियम कौन सा लगा, एस 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 नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के, तो उसके अन्य कोण क्या होंगे बराबर, मतलब इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या होगा आपके बराबर, कोण ए बराबर होगा कोण बी, कारण क्या हो जाएगा बाई सी पी सी पी। अब ए को और बी को जोड़ो तो कितना बनता है 180, क्यों है अंत्य कोण, अरे रेखाएं समांतर है हमने अभी सिद्ध किया था कौन सा त्रिभुज है ये उसके सामने भुजाएं क्या होती है समांतर होती है, अतः ए और दोनों बराबर ऊपर लिखा हो भी दोनों का योग भी 180 है और दोनों बराबर भी दोनों बराबर मान लो तो कौन ए का मान भी 90 और कौन बी का मान भी 90 तो दोनों बराबर भी है और दोनों का योग 180 भी है दोनों बराबर मान लो तो जिस कौन जिस जिस समांतर या सम चतुर्भुज का ए कौन 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है आपके वर्ग कहलाता है, समान चतुर्भुज होता था आयत कहलाता है।